महाराष्ट्र कांग्रेस में बगावत, पार्टी का आदेश नहीं मान रहे नेता, जिसे पार्टी से निकाला, कांग्रेस नेता उसी उम्मीदवार का कर रहे प्रचार। महाराष्ट्र कांग्रेस में पड़ती फूट के चलते एमवीए हो रहा है कमजोर। महाराष्ट्र में महासचिव अघाड़ी गठबंधन में टूट रुकने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना तीनों ही दलों के नेता पाला बदल रहे हैं या फिर पाला बदलने के संकेत दे रहे हैं। गठबंधन सहयोगियों के खिलाफ ही निशाना साध रहे हैं। इस समय राज्य में विधान परिषद की 5 सीटों के लिए चुनाव चल रहे हैं और इन चुनाव में एमवीए एकजुट नहीं दिख रहा है। नासिक सीट के लिए कांग्रेस ने सुधीर तांबे को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन सुधीर तांबे ने अंतिम समय तक नामांकन ही नहीं किया। सुधीर के स्थान पर उनके बेटे सत्यजीत तांबे ने नामांकन कर दिया। सुधीर ने दावा किया कि अब उनका बेटा कांग्रेस का उम्मीदवार होगा, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने सुधीर तांबे के दावे को नहीं माना और पिता पुत्र दोनों को ही पार्टी से निकाल दिया। कांग्रेस ने भले ही सत्यजीत तांबे को पार्टी उम्मीदवार मानने से इनकार कर दिया हो, लेकिन नासिक के कांग्रेस नेताओं पर पार्टी के इस फरमान का कोई असर नहीं दिख रहा है। कांग्रेस के नासिक यूनिट के अधिकांश पार्टी कार्यकर्ता सत्यजीत तांबे के प्रचार में जुटे हुए हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के उपाध्यक्ष की बेटी सत्यजीत तांबे का प्रचार करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में यह सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता आलाकमान के आदेशों का पालन करते हैं या नहीं। सवाल यह भी है, क्या महाराष्ट्र में नाना पटोले के नेतृत्व को पार्टी के नेता स्वीकार करते हैं या नहीं। जिस तरह से हालात फिलहाल नासिक चुनाव क्षेत्र में दिखाई पड़ रहे हैं, उससे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। दरअसल जलगांव के पूर्व सांसद और कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर उल्हास पाटिल की बेटी डॉक्टर केतकी पाटिल ने सत्यजीत तांबे का प्रचार किया। तांबे के प्रचार के दौरान केतकी पाटिल मंच पर दिखाई पड़ी। इस वजह से जलगांव जिले में सियासी अटकलों और कयासों का बाजार गर्म हो चुका है। दावा किया जा रहा है कि नासिक की बगावत अब जलगांव तक पहुंच गई है। इसके साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान भले ही सत्यजीत तांबे पर कार्रवाई कर चुका हो, लेकिन प्रदेश सरकार के नेता अंदरूनी तौर पर तांबे के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र में जब से एमवीए की सरकार गई है, उसके बाद से शिवसेना के उद्धव गुट के अलावा सबसे ज्यादा असर कांग्रेस पर ही दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के कई नेताओं के बीजेपी और एकनाथ शिंदे के संपर्क में होने के दावे किए जा रहे हैं। दावा 10 से ज्यादा विधायकों के कांग्रेस छोड़ने का किया जा रहा है और जिस तरह से कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व के निर्देश को स्थानीय नेता नजरअंदाज कर रहे हैं, उससे साफ दिख रहा है कि महाराष्ट्र में पार्टी पर हाईकमान की कमांड कमजोर होती दिख रही है। एमवीए गठबंधन में नासिक सीट कांग्रेस के कोटे में थी और हालात ये हैं कि यहाँ अब कांग्रेस का उम्मीदवार ही नहीं है। कांग्रेस जिस उम्मीदवार का विरोध करने का ऐलान कर रही है, उसी का प्रचार कांग्रेस के नेता करते दिख रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि तांबे का समर्थन बीजेपी भी कर रही है, जिसके बाद ये तय माना जा रहा है कि नासिक सीट पर तांबे की जीत तय है। महाराष्ट्र में एक ओर सत्ताधारी एनडीए मजबूत होता दिख रहा है, दूसरी ओर एमवीए के लिए मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं, खासतौर पर उद्धव ठाकरे गुट की, क्योंकि 23 जनवरी को शिवसेना मुख्य तौर पर उद्धव ठाकरे का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और अब वो शिवसेना के सुप्रीमो भी नहीं बचे हैं। पार्टी पर अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग दोनों ही जगह सुनवाई चल रही है और जो संकेत मिल रहे हैं, उसमें ठाकरे गुट को राहत मिलती नहीं दिख रही है। खासतौर पर चुनाव आयोग में ठाकरे गुट कमजोर पड़ता दिख रहा है। उम्मीद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से ही दिख रही है।